राम 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 राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है जी। मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ जी। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नरेंद्र सैनी है, मैं रावगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा आपका नाम नरेंद्र सैनी है और आप रावगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा नरेंद्र भैया, हाँ आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? भाई हमारे गोभियों में इल्ली लग रही है इनमें। अच्छा अच्छा आपने गोभी की फसल की है? हाँ और उसमें इल्ली लग रही है? इल्ली लग रही है तो उसकी रोकथाम के लिए आए आप, हमें बताओगे किस प्रकार इसकी रोकथाम करनी चाहिए इल्ली की? हाँ जी बताएंगे बिल्कुल। अच्छा नरेश भैया, जी आपने अभी हमें बताया कि आपने गोभी की फसल की है और उसमें इल्लियों का प्रकोप लग रहा है, जी इल्ली लग रही है, हाँ तो उसकी रोकथाम के बारे में आज आप हमें बताएंगे। तो बताएं उसकी रोकथाम किस चीज़ से करेंगे आप? जी, उसकी रोकथाम हम जो रासायनिक दवा से करेंगे उसकी। रासायनिक दवा जो रहती है, रासायनिक दवा आती है, उससे आप इनकी रोकथाम रोकथाम करेंगे। करेंगे तो रासायनिक दवा में आप कौन सी दवा का उपयोग करेंगे? जी, करेंगे प्रोपेक्स वाली से। अच्छा रासायनिक दवा में आप जो प्रोपेक्स दवा रहती है उससे आप गोभी की फसल में जो इल्ली लग रही है उनकी रोकथाम करेंगे। रोकथाम करेंगे। अच्छा नरेंद्र भैया, हाँ जी आज आप आपकी गोभी की फसल में हाँ इल्लियों की जो प्रकोप है उसकी रोकथाम कर रहे हैं, हाँ तो इसकी आपने बताया कि आप जो रासायनिक दवा से करेंगे और रासायनिक दवा में आप प्रोपेक्स जो दवा है उससे करेंगे, ठीक जी तो इसकी क्या प्रक्रिया है इसको तैयार करने की बताएंगे? बताएंगे। हम 1 15 लीटर का पंप लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें दवाई डालेंगे, उसमें 20 या 25 ml के करीबन डालेंगे उसमें। इससे छिड़काव करेंगे तो उससे अपन को इल्लियों के प्रकाप मतलब जो कम होने की मात्रा कम हो जाएगी, उसकी इल्ली जो लग रही है वो कम हो जाएगी उससे। सबसे पहले आप 15 लीटर पानी का पंप लेंगे, उसमें 25 से 30 ml दवा डाल देंगे, जी, फिर उसको अच्छी तरह से मिला करके हाँ जो आपकी फसल है उस उसका छिड़काव करेंगे। करेंगे। अच्छा अभी आपने हमें जो दवा तैयार करने की प्रक्रिया बताई, तो हमें दवा तैयार करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? देखो दवा अपन पानी जैसे लेते हैं वो अच्छा साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए उसमें। जैसे दवा अपन डालते हैं 25-30 ml के एवेल में डालना चाहिए। दवा अपन जैसे छिड़कते हैं तो पहले तो हाथों पर ग्लव्स या थैली वगैरह बांधना चाहिए। यदि दवाई डालते हैं तो मुंह से या तो कपड़ा या तो उसका आता है माउस मोड़े पे लगाने का, उसको लगा के दवाई का छिड़काव करना चाहिए। सही बात है, अपने हाथों पे पन्नी पहन लें और मुंह पे कपड़ा कपड़ा बांध बांध ले या ताकि कुछ, मतलब जो दवा जहरीली रहती है वो वो अपने अपने शरीर की जो चमड़ी है उस पर ना लगे और मुंह में भी ना जाए। जी तो ये सावधानी हमको रखना चाहिए रखना दवा चाहिए तैयार करते समय और उसका छिड़काव करते समय। जी। नरेश भैया, अभी आपने हमें जो आप गोभी की फसल में लीक रोकथाम कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए जिस दवा का आपने नाम बताया और आप इसका प्रयोग करते समय इसको तैयार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी, सावधानी बताएं उसकी प्रक्रिया बताएं, तो इसका आप अभी आपने ये सारी प्रक्रिया हमें जो बताई आप जी इसको तैयार करके बताएंगे हमें? बिल्कुल बताएंगे। ठीक ठीक जी, हमारी रासायनिक दवा है जिसका हम अभी छिड़काव करेंगे पानी में डाल के। जी हमारा 15 लीटर से भरा हुआ पंप है पानी। अभी आपने हमें पंप और दवा बताए जी, तो आप ये बताएंगे आप दवा को किस तरीके से नापते हैं? देखो उसमें दवाई में जो अपन लेके आते हैं मार्केट से दुकानों से तो उसमें एक लेवल आता है उसमें नापने वाला, अच्छा अच्छा तो उससे अपन नाप कर डालते हैं। वो ml रहता है यानी कि 10 ग्राम से लेके नहीं 50 ग्राम तक का, 60 ग्राम तक का 60 ग्राम तक का रहता उसमें लेवल रहता है, है। उसी से आप नापते नाप हैं, कर तो आप डालते हमें हैं, दिखाएंगे वो? बिल्कुल दिखाएंगे। ये हमारा 60 ग्राम का आता है लेवल, इससे हम दवाई डालते हैं इसको नाप के। तो मैंने ये हाथों पे पन्नी वगैरह बांध ली है जैसे, और मुंह पे कपड़ा बांध लिया, इससे अपन को क्या सुरक्षा सावधानी रखना चाहिए। इसमें मैंने 25 ml दवा भर ली है, अब मैं इसमें पंप में डालूंगा इसको। हम इसमें दवाई डाल रहे हैं, अब हम इसको हला रहे हैं इसमें कि दवाई तरीके से मिल जाए। अब हमारी दवा तैयार हो गई है, अब हम छिड़काव के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं। मैं दवाई छिड़क रहा हूँ। अच्छा भैया, आपने हमें अभी गोभी की फसल में जो दवा का तैयार दवा किस प्रकार तैयार करना बताया और छिड़काव करके भी बताया, तो इसका आपका अनुभव क्या है, आप कब से कर रहे हैं बताएंगे? जी मैं अभी ये 2 साल करीबन से कर रहा हूँ इसको, तो इससे क्या है दवाई डाल रहा हूँ, 2 साल से छिड़काव कर रहा हूँ, तो इससे इल्ली वगैरह जो भी कुछ रहता है उसके अंदर गोभी के अंदर मर जाता है, सब नष्ट हो जाता है। अभी आपने हमें जो दवा का छिड़काव करके बताया उसकी कीमत क्या भैया बताएंगे? जी इसकी 263 रुपये की आती है जो 500 ml में।
अच्छा जी, 263 रुपए की आती है और 500 ml। और ये आपको उपलब्ध कहाँ से हुई है जी? देखो ऐसा है कि कोई भी जैसे कि किसी दर्शक से ले लो या तो किसी कीटनाशक दुकानों पे जो भी लिखा रहता है, जैसे बीज भंडार है की दुकान है, वहाँ से। ये आपने गोभी की फसल में हमें दवा तैयार करना बताया, इसकी सावधानी क्या है, सावधानी बताएं, और इसकी जो छिड़काव करके बताएं, इसके संबंध जो भी जानकारी है गोभी की फसल में मिली रखी उसकी रोकथाम के लिए, इस सारी जानकारी आपने, इसकी दवा का छिड़काव करने के लाभ क्या हैं आप बताएंगे? देखो ऐसा है कि जैसे अपन गोभी में इल्ली आ जाती है तो हमारी फसल वगैरह जो नष्ट हो जाती है, अगर इसकी हम अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, रोकथाम इसकी इल्लियों की नहीं करेंगे, जैसे दवाई डाल देते हैं तो इससे रोकथाम, इल्लियों की कम मात्रा मतलब दवाई डाल देते हैं तो इल्ली नहीं आती है इससे, यदि इल्ली नहीं आएगी तो अपनी गोभी की फसल अच्छी होगी तो हमें अच्छा लाभ होगा। सही बात है, अगर ये इल्ली से हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है और अगर इसकी हम समय रहते रोकथाम कर लेंगे तो हमको काफ़ी लाभ होगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, इसकी रोकथाम कर लेनी चाहिए। दवा बताइए रासायनिक दवा, तो इससे आप कब से कर रहे हैं, क्या अनुभव है आप बताएंगे? जी इसका अनुभव है दो साल के करीबन से डाल रहे हैं हम, इस गोभी की फसल कर रहे हैं, दो साल से डाल रहे हैं। जैसे अपन ये दवाई नहीं डालेंगे तो इल्ली वगैरह ज़्यादा कीट जैसे कीटनाशक जैसे कुछ कीटाणु पदार्थ होती हैं जो गोभियों में हो जाते हैं, तो इसके कारण हम जो है ना जो रासायनिक दवाई डालते हैं तो इससे क्या है कि इल्ली वगैरह जो भी है उसमें मर जाते हैं, तो उससे उत्पादन अच्छा होता है अपनी फसल के लिए, उत्पादन अच्छा हो जाएगा तो लाभ अच्छा होगा अपने लिए। करीब आप दो साल से डाल रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। महेश भैया, आपने हमें अपनी गोभी की फसल में लीक रोकथाम करना बताया, किस प्रकार रोकथाम करना चाहिए और इसके लाभ बताए, इससे संबंधित हमें और हमारे किसान भाइयों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? गोभी की फसल है ये अपनी, इसमें यदि अगर इल्ली वगैरह आ जाती है, अगर अपन इसको समय पर यदि अगर दवा ना डालते हैं तो अपनी इससे सारी फसल नष्ट हो जाती है, तो इसको अपन समय पर डालना चाहिए, तो इससे अपन दवाई डालेंगे तो इसके कारण अपनी फसल अच्छी रहेगी और उत्पादन अच्छा होगा, इससे इसकी रोकथाम अवश्य करें और लाभ लें। नरेश भैया, आपने हमें जो गोभी की फसल है उसकी में जो इल्ली का नाम का रोग लगता है उसकी रोकथाम के लिए उपाय बताएं, इसकी जानकारी बताएं, इससे संबंधित लाभ बताएं और आपका अनुभव भी बताएं, सावधानियां बताएं और एक अच्छा संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।